कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन मंगलवार को जिला महिला अस्पताल चिकित्सालय के साथ जिले के 6 केंद्रों पर किया गया। महिला जिला चिकित्सालय में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने टीकाकरण कराकर ड्राई रन की शुरुआत की। आपको बता दें कि टीकाकरण कराने के बाद सीएमओ को 30 मिनट तक प्रतीक्षालय कक्ष में रखा गया और 30 मिनट के बाद सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि टीकाकरण से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बताया कि किसी को भी अगर रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन और दवाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि ड्राई रन के तहत वैक्सीनेशन पूरे जनपद में 6 केंद्रों पर किया गया है। इसके संबंध में महिला चिकित्सा अधिकारी माला सिन्हा ने बताया कि टीकाकरण शुरू होने के बाद सब कुछ इसी तरह रहेगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण करवाने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज आएगा और उसका वेरिफिकेशन करने के बाद ही उस व्यक्ति का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राई रन के लिए स्वास्थ्य कर्मी को प्रशिक्षित करते हुए वास्तविक टीकाकरण के संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला जिला चिकित्सा अधिकारी माला सिन्हा व सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा। लेट का भी हुआ ही कहां भी? ऐसा बात करिए ना, आप जनरल लगेगा ले लगने के बाद यहाँ बैठ कर दे सोल्यूशन मुझे बहुत अच्छा महसूस है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा टीकाकरण टीका डॉक्टर सर कोविड डॉक्टर जी बिल्कुल ही मैं जैसे नॉर्मल हूँ उस तरह से हूँ, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने और मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे आधे घंटे यहाँ रुकना है, पूछिएगा सबसे कैसा मतलब टीका लगा तो क्या उनके बिल्कुल मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा सब कुछ जैसे मैं आया था उसी तरह से मैं नॉर्मल हूँ। ठीक है, मुझे आप लोगों ने सुविधा दी है, बहुत बहुत सर भयभीत है कि पता नहीं लगाना चाहिए या नहीं, मन में डाल दिया है कि लगाएंगे मुझे कोरोना हो जाएगा या कुछ अंतर डाल दिया है। तो सर इसके लिए दो शब्द आप बता दें कि इस तरह की कोई भी चीज़ या घर नहीं है, ये हम लोग की सुरक्षा के लिए है। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं, तो आपने करना होता है कि आप यहाँ इस बीमार में जो पूरी सुविधाएं हैं मैं बिल्कुल ही सुरक्षित और यहाँ पे उस जो सुरक्षित मैं उसको लगाया जाएगा। मेरा डॉक्टर माला सिन्हा नाम है। जी सर, ये जो है हम बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ अब वैक्सीनेशन कोरोना का शुरू हो गया है और हम लोग सारे प्रोटोकॉल पालन करते हुए टीका आरंभ किया है, लगाया गया है। पहले उनका वेरिफिकेशन होगा, वो फिर टीकाकरण कक्ष में जाएंगे, वहाँ उनका टीकाकरण होगा, उसके उपरांत जो है फिर उनको आधे घंटे हम लोग अपनी देख रेख में रखेंगे, उसके बाद ही भेजेंगे। टीकाकरण लगने के बाद आधे घंटे उनको रुकने की व्यवस्था, बेड भी लगे हुए हैं, चेयर भी है और हमारी पूरी दवाएं हैं, आप कोई भी एडवर्स रिएक्शन से निपटने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है, दवा उपलब्ध है, उसे हम लगाएंगे। सर वैक्सीन का ड्राई रन पहला टीकाकरण आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ही मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल मैं आराम से हूँ। फिर भी मुझे 30 मिनट के लिए यहाँ रहने के लिए कहा गया है, मैं 30 मिनट रहूँगा,
और उसके बाद मैं अपने घर जाऊँ। अगर कोई रिएक्शन होता है तो अमूमन इसमें कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर माइनोर रिएक्शन होता है तो इसके लिए एनाफिलेक्टिक दवाएं रखी गई हैं और ऑक्सीजन भी है, ज़रूरत पड़ने पर सब करता है। सबको पहला फेज दूसरा चरणों में होगा, अभी तो स्वास्थ्य कर्मियों को ही लगाया जा रहा है, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ फेज़ में जो है पब्लिक को भी लगाया जाएगा, और इस तरह से जो हमारा टीकाकरण और अभियान चलता है उसी तरह से ये भी चलता है।